गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक न्यू वीडियो पे। और आज हम लोग जाने वाले हैं, अभी थोड़ा अपना गाड़ी पे काम कर रहे हैं। जो आपको पहले दिखा था गाड़ी में, उसमें थोड़ा अपना सेटिंग वेटिंग करवाना है और कुछ व्हील कैप लगाना है, तो वो करवाएंगे। फिर देखते क्या करते हैं, आज पूरा दिन ही इसी में चला जाएगा। क्या करते क्या नहीं पूरा देखते। हम लोग यहाँ पे जो व्हील कैप है वो लगाने आए हैं इधर पे शॉप पे, और ये बगल जुला कुछ भी बोले जा रहे हैं। फीडबैक कौन सा फीडबैक करो, ये तो फुल कैप लगा रहा है ना। दिखे 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 दिखे। अरे भाई ये तो फुल कैप लगा रहा है, ये उनका कोई मतलब है क्या? पहले पहले उसका गाड़ी का जो तैयार है पहले उसको तो चेंज कर लेना दो। इसका तो देखो, इसका जो मिरर का जो लॉक है वो भी नहीं है, इसका जो स्टीयरिंग लॉक है वो भी नहीं है, इसका डोर लॉक भी नहीं है। और ये देखो ये क्या क्या कर रहा है, देखो जो चाहिए वो तो नहीं कर रहा है, मतलब जो नहीं चाहिए मतलब वही पहले पहले कर रहा है। आज इसको क्या बोले हम लोग? तो गाइस आपने सुना उनका रिव्यू, अभी हम लोग क्या बोले इसको? बोलो है ना, आप तुम बोलो, हम क्या बोले? उनको समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा। मैंने उसको पहले बोला था भाई ये स्कूल मत लगाओ, पहले अपना टायर चेंज करो, लॉक चेंज करो, उसके बाद पैसा आएगा तो लगा लेना स्पॉइलर। अच्छा आपने जो पहले सुबह बोला जो 700 रुपए का लॉक है वो हमें, हम थोड़ा देखना चाहते हैं। हाँ भाई ने देख लिया है ना, हम भी देखना चाहते हैं, उसको पसंद है, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं कौन सा लॉक है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप, लॉक दिखाता हूँ मैं हम लोग, वो कार है सुजुकी का, यहाँ पे लॉक दिखाएंगे 700 रुपए वाला। ये देखो भाई, ट्रक वाला लॉक दिखा रहे हैं। प्राइस देखिए 88 रुपीज, और हम लोग को बोल रहे थे कि 700 रुपए 800 रुपए। साला माल चेप तो नकली माल। गाइस यहाँ पे मत आना कभी भी, आएंगे व्हील कैप। हाँ अभी व्हील कैप दिखा लो, जो जरूरी नहीं है सिर्फ वही चीज पहले दिखा दो, व्हील कैप दिखा दो। ब्लॉगिंग करम भाई, हमरा जिनिस तो पत्र किन ना, अरे तू भी, अरे तुम्हारा दुकान फेमस हो, अच्छा हमारा करियो ना, हमरा प्रत्येक ब्लॉगर में वीडियो में 1000 रुपए व्यूज आ गए, मानुष किन भाई दुकान कर लियो, माने हमारा कर लियो ना, মালিক দেয় দাও মালিক দেয় দোকানের মধ্যে মালিক এলে কাস্টমার এলে তোমার দেখতো না আমি বলবো সরি কথা করছিল কাটি দিন তোমারে আর ফিডব্যাক क्या बोलना चाहते हो? जो यहाँ पे व्हील कैप लगाया जा रहा है इसके रिव्यू पर बता सकते हो? भाई ठीक है, व्हील कैप ठीक है, इसको अगर ये थोड़ा बड़ा होगा तो और अच्छा। यहाँ पे क्या मैं डोजर का चक्का लगा दूंगा, मैं ये टाई की बात नहीं बोल रहा, मैं बोला फुल कैप का। लोग इन दोनों पे थोड़ा कंफ्यूजन है, कौन सा लगाना है आपको? आप टेस्ट कीजिए। ओ भाई लगाने में भाई गाली क्यों दे रहा है भाई? सबका गाली देगा मैं। तो भाई लगाने में भाई गाली क्यों दे रहा है? पहले ये बताओ। अरे बात। ये तू बोलो। तो गाइस हम लोग ने 600 रुपए में फाइनल कर दिया डील खत्म। पांच सौ रुपए बोल रहे हैं वो लोग, बोल रहे 700 रुपए, आप इतना 200 रुपए कम कर लोगे भाई। पांच सौ पांच सौ पांच सौ हम लोगों ने ये लिया है विचारों में, ये लगेगा सो लगाते इसको, रिम को कलर करेंगे फिर पूरा होगा। आज के लिए हम लोग ने इतना ही शॉपिंग किया और ठीक है आप लोग का। हाँ अभी तो ठीक है, लेकिन लेकिन पैसे के लिए ठीक नहीं है, पैसा पैसा कम हो गया, बहुत ही हम लोग का दुकान है इसलिए हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ भी लगा के टेस्ट कर रहे हैं, ये भी देखेंगे ये भी देखेंगे, पूरा देख के आप लोगों को बताता हूँ।
भी एक गाड़ी पे अपना काम करवा लिया है, जो व्हील कैप था वो लगवा लिया है, और यहाँ से अभी थोड़ा घूम घूम के भाई ने अपना टेस्ट ड्राइव लेने निकले हैं। व्हील कैप आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, यहाँ से भी दिखाई दे रहे हैं, मैं उतार के दिखाऊंगा आपको। इनके लिए इतना ही है, बाद मिलते हैं। कैब का तो अभी खर्चा हो गया, अभी हम लोग का बाकी है, इधर पे एक म्यूजिक सिस्टम लगेगा उसका खर्चा बाकी है, स्पीकर लगा हुआ है उसका हम लोग को बहुत ही महंगा पड़ रहा है, अभी है नहीं, थोड़ा जुगाड़ उगाड़ होगा तो फिर हम लोग लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो मैनेज करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस मैं अभी शॉप पे आ चुका हूँ अपना, और यहाँ पे देखिए गुड्डू भाई को हम लोग रखे गए थे इधर पे शॉप पे, शॉप देखने के लिए, और बहुत गर्मी में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग प्रोफेशनल ड्राइवर यहाँ पे आके अपना कार को पार्क करेंगे, देखना उनको गाड़ी घुमाना नहीं आता, इतना ही प्रोफेशनल ड्राइवर है, क्या बोले हम। गुड्डू भाई को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दुकानदारी किया है गुड्डू भाई ने, बहुत देर तक यहाँ पे बैठे रहते हैं, कोई नहीं है, बोनी भी नहीं हुआ ना, बोनी हो गया सुबह को हो गया, वो आए बैठे इतना और अभी तो रोजा का टाइम है ना, तो थोड़ा बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है, नहीं तो ठीक ठाक चलता है इस टाइम पे, और ओके बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या बनाए वीडियो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या वीडियो करे क्या नहीं, कंटेंट नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा कंटेंट का अभाव है, कंटेंट मिल ही नहीं रहा क्या। सो गाइस मैं अपना जो काम ख़त्म करके, जो आपने देखा था गाड़ी का काम था, तो गाड़ी का काम ख़त्म करके थोड़ा शॉप में आया था, आपको मैंने जैसे दिखाया था, तो उसके बाद फिर खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के लिए टाइम नहीं मिला और थोड़ा लेट हो चुके थे, और तो आपने जैसे देखा दुकान पे, फिर अभी आया हूँ घर पे, खाना वाना खाऊँगा, आज थोड़ा लेट हो चुका, अभी 1:03 और मेरा टाइम था 2 बजे खाना खाने का, क्योंकि मैं अभी थोड़ा डाइटिंग पे हूँ, सो मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चावल ले चुका हूँ, और वहाँ पे चिकन रखा हुआ है, चिकन खाऊँगा, सो 200 ग्राम चावल और चिकन है, और थोड़ा सब्जी है, सब्जी खाएंगे, तो देखते हैं कितना हफ्ता कटवाना पड़ेगा, ऐसे ही और भी स्ट्रिक्ट डाइट होगा, और भी स्ट्रिक्ट जाएंगे जितना हो सकता है, क्योंकि शरीर बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, तो उसको थोड़ा कमाना होगा। यहाँ पे सब्जी है और चिकन वहाँ से लूँगा, और ये कुछ अपना इंजीनियरिंग किया हुआ डिज़ाइन है मेरा घर का, जो मैंने खुद स्पेशली डिज़ाइन करवाया था अपने घर के लिए, सो यही तक है, तो खाना वाना खाते फिर शाम को आप लोगों के साथ मिलते हैं, जिम पे जाएंगे, जिम करेंगे तब मिलेंगे आपसे, मिलते हैं कुछ देर में, अभी खाना वाना खा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो अभी जस्ट मुझे सुब्रू भाई का फ़ोन आया कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ा घूम घूम के आते हैं, थोड़ा गेड़ी उड़ी मारेंगे, तो जिनको गेड़ी का मतलब नहीं पता, गेड़ी मतलब घूमना होता है, जब हम लोग वेले रहते हैं और हम लोग के पास पॉकेट में पैसे नहीं रहते, हम लोग को उल्टा हो जाता है, पैसे नहीं रहते और गाड़ी में बाप का पैसे से डाला हुआ तेल होता है, तब हम लोग गेड़ी मारते, इसको बोलते गेड़ी मारना। तो हम लोग भी यहाँ से निकलेंगे, पता नहीं कहाँ जा रहे, कहाँ लेके जा रहे पता नहीं, जाइए कहीं पे, चलो निकलते हैं, अब लोग गाड़ी में जाके मिलते हैं। शाम का टाइम है, छोटू भाई का मैंने जो बोला वो टिकी है, यहाँ पे देखिए हम पहली बार जाम में टेस्टिंग कर रहे हैं अपने कार को छोटू भाई के साथ, जान को हाथ में लेके यहाँ पे लेके घूम आ रहे हैं जान को हाथ में लेते ब्लास्ट छोटू भाई हमारे बहुत ही पक्का ड्राइवर है, ये बहुत लंबे लंबे जाने वाले हैं, हम बहुत लंबे लंबे फेंकने भी वाले और हम लोग का जो बाकलवा है वो अभी तक आया नहीं है, वो कहाँ पे शोरूम में जाके अटके हुए हैं, उनको भी लेना है।
तो गाइस ये नया ट्रेंड्स, ये है नया ट्रेंड्स हम लोग के यहाँ पे खुला है नया। आज हम लोग के पास कंटेंट ही कंटेंट है, कुछ देर पहले हम लोग के पास कंटेंट नहीं था, आज कंटेंट ही कंटेंट है, कहाँ से कंटेंट निकल जाता है। रिएक्शन लेते हैं, सागर भाई यहाँ पे खड़े हैं, क्या रिएक्शन देते हैं पता नहीं। शुरू है दरो रेड रेड आ जाओ, चलो हम चले मेरे चले बे हम दिन इगु इगु मैनुअल लगे तो अरे पावन लगे तो मैनुअल हम नॉर्मल गाइस गाइस चलो ऐसा मिलते कंधे मुना मित्र शाहर भाई को गाड़ी चलाना है, सुडो भाई को भी गाड़ी चलाना है, अभी अर्णव भी आएगा, अर्णव की भी गाड़ी चलाना है। तो सागर कैसा लग रहा है किडनैपिंग वैन पे बैठ के? अरे गोरम ऐसे नहीं मिल रही थी, अरे गोरम भाई सेक्सी लेग्स। और यहाँ पे फिर से हम अभी अर्णव का लेने वाले हैं, अर्णव का रिएक्शन हंसते भी अर्णव भाई पहले रह गया। अर्णव का रिएक्शन आयो, अर्णव भाई आयो आयो और यहाँ पे और एक रह के ओपरास का रिएक्शन लेते हैं। ओपरास तो नंगा और लोंगी पे पहने हुए, लोंगी पहने हुए दोस्तों कैसा लग रहा है फिर से स्कूल बैग में बैठ के ऐसे? देखिए हमारे उठे हां कहने उठे कल भाई, सेलिब्रिटी सेबिटी पैसेंजर लेके हम लोग जा रहे हैं अभी। हम लोग यहाँ पे यही सब जगह है घूमने के लिए, कोई जगह नहीं है अंदर अंदर में, ये सब टी गार्डन है जो घूमने के लिए, चा बागान वो भी है। शुरू भाई धीरे चलाओ भाई, अब तो एक्सीलेटर पर पाँव नहीं रख रहे, पाँव उड़ा रहे हो। दीदी को छोड़िए सागर भाई ड्राइविंग वाले है। तू ड्राइवर, तू गाड़ी चलाएगा गुना यो तो सिले नहीं, यो स्कूटर यो स्टीयरिंग सारा गाड़ी सका ऑटो से आई तक ऑटो 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 से लाइली भरते जुत नहीं सागर किरकम लगे कैसा लग रहा है इसको चला के? मैंने सूटो लगे नीचे ना दिखा हमारे तो है कैसा लग रहा है सागर इसको चला के एक्सपीरियंस? क्लास बोर्ड टाइट और गियर गियर मजा है, प्लास्टिक बदला टाइट इसी में मजा है बदला टाइट। अभी नया ड्राइवर है वो पहली बार चला रहा है भाई, हंसते टानी कहा से ब्रेक कोई भी अर्णव अर्णव हमारा इंश्योरेंस खोल ले भाई कौन এলআইসি তুই যাইতে থাকলি লাগ আমি মরে যাবো বা
ব্লক কথা মিলছু দে সাইলা এক্সিডেন্টাল দে সাইলা কইছু আমরা সাইলা অপর শুনো মেরতে করা আছে না নাকি দা তোমা করা আছে না নাই ও তে সাইডটা করে লাইছ সাগর তো মুড়ি জিবে আর কইয়া লাভ নাই সালার মেয়েটি দেখছি এয়ার হোস্টেজ আসলে মেয়েটি যেন দেখছি এয়ার হোস্টেজ দরজা মিলে তারা কিনা করতে দীপঙ্কর ভাই তখন নিয়েও শুরু করছে আসনি হেয়ার গাড়ি বাইকের গাড়ির মধ্যে সপ্তাহ দেয় হেয়ার গাড়ির মধ্যে সপ্তাহ দেবে সব রকমের সাগর তোমার গাড়ি সিসি কত আর এখন বারোশো সিসি চালাই কিরম লাগে অপরাধ কিছু খুঁজে দেবেন ভাই আজ কন্টেন্ট নেই কন্টেন্ট মিল গিয়া মুঝে ভাই।